अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल जोहास किचन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं ऊपर चूल बना रही हूँ, मिट्टी का चूल्हा। तो आज जो है मेरी यहाँ पे चूल्हे पे पहली रेसिपी है और मैं यहाँ पे बनाऊँगी चने का हलवा, चने की दाल का हलवा। तो सबसे पहले हम जो हमारी हमारा चूल्हा मिट्टी का, उसको हम रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं मिट्टी है, हमने मिट्टी ली है, उसमें हमें थोड़ा सा पानी डाल लिया है। इसको हम अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेंगे। चूल्हा भी हमने फर्स्ट टाइम बनाई है। इसे हम अच्छे से साइड साइड से सारी जगह से हम मिट्टी लगा लेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे कि आपने देखा, हमने इसे अच्छे से जो है वो मिट्टी लगा ली है साइड साइड से, ऊपर ऊपर से। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि हम आज बनाने जा रहे हैं चने की दाल का हलवा। तो चने की दाल का हलवा बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है, हमने आधा किलो दाल ली। इसको हमने आधे घंटे पहले सोख कर लिया है पानी में, यानी कि 30 मिनट पहले हमने इसे धुल के अच्छे से पानी में भिगा लिया था। उसके साथ हमने यहाँ पे लिया है एक प्याला घी है, देसी घी है। साथ में हमने लिए चीनी जो है 300 ग्राम। उसके साथ हमने लिया है 2 अमूल कूल का डब्बा जो कि है 250 ml। साथ में हमने लिए हैं 5 से 6 काजू हैं और इसमें से हम 3 ही इलायची ऐड करेंगे, सारी नहीं ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पे 3 सफेद इलायची ली है और साथ में हमने लिया है फूड कलर जो कि है लेमन येलो। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि हमने चूल्हे में आग जलानी शुरू कर दी है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं आग जलानी हमने शुरू कर दी है। साइड साइड से हमने उपला डाला है इसमें ताकि आग जो है वो अच्छे से जलती रहे, बुझे ना। तो यहाँ पे उपला डालने के बाद हमने हाथों को अच्छे से वॉश कर लिया है अपने। आप भी ख्याल रखिए कि आप कभी भी अगर चूल्हे पे मिट्टी के चूल्हे पे खाने बना रही हैं, किसी भी चूल्हे पे खाना बना रही हैं, आप कुछ ऐसा वैसा छूती हैं तो प्लीज हाथ वॉश कर लीजिए। तो आग जो है वो जलने लगी है। तो यहाँ पे हम रख देंगे अपना पतीला। पतीले के नीचे आपने देखे, अब यहाँ पे हमने मिट्टी लगा ली है क्योंकि जब ये चूल्हे पे खाना बनता है तो पतीलियाँ जो है या कोई भी बर्तन है वो बिल्कुल काला हो जाता है, जो कि जल्दी साफ नहीं होता है। तो यहाँ पे जब मिट्टी लगी होती है तो वो जल्दी से साफ हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए पतीली जो है वो हमारी, आप देख सकते हैं अच्छे से, जब हमने इसको वॉश किया था तो पानी इसका जलने लगा है। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे जो चने की दाल थी उसे। चने की दाल हमने डाल ली, इसमें हम डालेंगे डब्बा जो है वो 200-250 ml का हमने दूध डाला है। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हम 2 सफेद इलायची ऐड करेंगे और इसे कवर करके रख देंगे ताकि ये अच्छे से जो दाल हमारी है वो अच्छे से पक जाए और अच्छे से गल जाए। उसके बाद हम दिखाएंगे आपको कि आगे क्या करना है। तो जब तक यहाँ पे चने की दाल उबल रही तब तक हम चाय पी लेते हैं। माज अले, किससे बात हो रही है, किससे बात हो रही है आपकी? बीच बीच में हम दाल को जो है वो चलाकर देखते रहेंगे कि नीचे लग ना जाए। माज क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए आपको, यहाँ पे क्या करने आए हैं आप खाना बनाएंगे?
तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए दाल जो वो है वो धीरे धीरे हो रही है हमारी। अभी इसमें दूध बचा हुआ है तो इसलिए हम इसे अच्छे से कुक करेंगे कि जो ये इसमें जो दूध है दिखाई दे रहा है आपको वो अच्छे से खुश्क हो जाए। तो हम इसे दोबारा कवर कर देते हैं। डन हो चुकी है, इसे हम उंगली से दबा के देखेंगे। देखिए अच्छे से ये गल चुकी है, तो इसे हम चूल्हे से उतार लेते हैं और इसे पीस लेते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि हम यहाँ इसे कहाँ पे पीस रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देख लीजिए सिलवट्टा, इसको हमने अच्छे से धुल लिया है। दाल हम अपनी इस पे इसी पे पीसेंगे। तो हम ऐसे सारे जो है दाल को ऐसे ही पीस लेंगे। तो यहाँ पे हम इसे ऐसे ही पीस लेंगे। आप देख रहे हैं सारा हमने यहाँ पे पीस लिया है। बिल्कुल फाइन पेस्ट हम इसका नहीं करेंगे, हम थोड़ा दरदरा सा ही पीसेंगे, मोटा मोटा सा ही। हमने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है और हमने सारी जो दाल है वो उसको पीस लिया अच्छे से। आप देख सकते हैं बस ये लास्ट की बची है। दाल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पीस के तैयार हो चुकी है हमारी। तो चलिए हम बनाते हैं चने की दाल का हलवा। पहले चूल्हे पे हमने खाली कढ़ाई को डाल लिया है, रख लिया है गर्म होने के लिए। इसमें हम ऐड कर रहे हैं एक प्याला घी। घी जो है वो देसी घी है तो इसे हम बहुत ज्यादा पकाएंगे नहीं। इसमें हम ऐड कर लेंगे चने की दाल जिसे कि हमने पीसा था और इसे अच्छे से भुनना स्टार्ट करेंगे। बहुत ही आराम आराम से चलाते हुए अच्छे से भुनेंगे ताकि ये पकड़े ना, क्योंकि ये चूल है तो चूल पे आंच जो है वो जल्दी कम तेज नहीं होती है। तो हम इसे मुसलसल चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से पकड़े ना और ये अच्छे से भुन जाए। यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गई थी तो हमने कढ़ाई को साइड में कर लिया है यहाँ पे और हम इसे अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। थोड़ा सा ये कूल हो जाएगा उसके बाद हम दोबारा इसको यहाँ पे रखेंगे। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं चीनी, जो कि हमने बताया था यहाँ पे 300 ग्राम चीनी है क्योंकि चीनी को घुलने में भी टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हमने चीनी को ऐड कर लिया है, चीनी को ऐड कर लिया, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी जो है वो अच्छे से घुल जाए। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं चीनी जो है वो देखिए डिसॉल्व होनी शुरू हो गई है, बिल्कुल गल चुकी है चीनी। यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं चला चला के भुनना है ताकि हलवा जो है वो नीचे ना लगे। थोड़ा सा फूड कलर, ऑरेंज फूड, लेमन और ऑरेंज फूड कलर, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड करें, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। कलर इससे बहुत अच्छा सा प्यारा सा कलर आता है इससे, तो इसलिए हम इसे ऐड कर रहे हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मैंने आपको पहले ही बताया कि इसे अच्छे से भूनते हुए चलाते हुए भूनेंगे ताकि ये नीचे लगे ना। तो यहाँ पे हलवे को भूनते हुए हमें 15 मिनट हो चुके हैं। 15 मिनट तक हमने इसे भूना है और आप देख रहे हैं इसकी साइड बिल्कुल जो वो अलग हो गई है। बहुत ज़्यादा हमने इसमें घी नहीं डाला था इसलिए आपको साइड में घी दिखाई नहीं देगा, बट हाँ ये भून चुका है, अच्छे से भून के तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे टेक्सचर इसका जो है वो हलवे की तरह हो चुका है। तो हम इसे यहाँ से चूल्हे से उतार लेंगे और इसे सेट कर लेंगे। इसको हमने प्लेट को ग्रीस कर लिया था और इसे आलमंड से हमने इसको गार्निश कर लिया है, यानी कि बादाम से। अब हम इसमें जो है वो बैटर ऐड कर लेंगे हलवे का, सारा बैटर जो हम उसमें ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से सेट कर लेंगे इक्वली। इसे हमने इक्वली सेट कर लिया है यहाँ पे अच्छे से। गार्निश जो है हमने वो नीचे आलमंड डाला था तो वही गार्निश है, ऊपर हम गार्निश नहीं करेंगे। इसे हम कूल होने के लिए रखेंगे मिनिमम 2 से 3 घंटे के लिए ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए, फिर हम इसे कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद
सर्व करने के टाइम पे हम आपको इसे दिखाते हैं कि गार्निश होने के, ये सर्व होने के बाद, कट करने के बाद कैसा लगता है। आपको दिखा दे रही हूँ, ये मेरा चूल्हा, ये कढ़ाई जिसमें बनाया था, और ये हमारा हलवा है। इसको रखे हुए 15 मिनट, तो हम यहाँ पे कट का निशान लगा लेंगे। वो आपके ऊपर है, आप शेप कैसा रखना चाह रहे हैं। कहा है कि बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत सारे हैं, तो आवाज किसी न किसी की तो आपको सुनने में आती रहेगी। यहाँ पे देखिए हमने कट का निशान लगा लिया, अब इसे हमें ठंडा होने के लिए रखेंगे 1 घंटे के लिए, उसके बाद हम इसे आपको सर्व करके दिखाते हैं। हमें 1 घंटा हो चुका है, तो हम इसे आपको निकाल के दिखाते हैं कि ये कैसा लगता है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा सा हलवा हमारा तैयार हुआ है, हम इसे आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। देख रहे हैं माशाल्लाह से हमारा हलवा जो बनके तैयार हो चुका है, इसे हमने कर लिया है डिश आउट। माशाल्लाह देखने के बाद बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत टेस्टी लग रहा है, बहुत यम्मी लग रहा है। तो हम इसे आपको अपने भाई को चखा के बताएंगे, वो बताएगा कि आपको ये हलवा कैसा लग रहा है। तब तक अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे शेयर करें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो इसे हम खिला रहे हैं अपने भतीजे को। अजान ट्राई करो कैसा लग रहा है, खाके कैसा बना है। ओके, नाउ तो ये डन हो चुका है। मिलते हैं आपके आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।